गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं सरसिक राजा हनुमान मंदिर पर, जो कि हमारे यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर जो है हर वर्ष जो है वो मेला गिरता है, और इस बार भी है, और आप लोग सजावट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सरसिक राजा हनुमान मंदिर पर। मंदिर पर खड़ा हूँ, पीछे देख ही सकते हैं आप लोग हनुमान जी का मंदिर। और जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पर जो है 7 चूल जो है वो 13 फीट इतनी खोदी जाती है, और करीब गांव के 700 से 800 श्रद्धालु जो है वो चूल के अंगारों पर चढ़ के हनुमान जी के दर्शन करने जाते हो और वापस दर्शन करके आते भी है। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको हनुमान जी के मंदिर पर। स्थापित की गई है और एक मूर्ति भी, चौथी भी मूर्ति है जो कि पीछे स्थापित की गई है, उधर भी मैं आपको ले चलूँगा। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जाते हैं भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पर जो है महादेव जी की भी स्थापना की गई है और नंदी जी भी विराजमान है, और गणेश जी की मूर्ति भी जो स्थापित की गई है, और कार्तिकेय और माता पार्वती भी है, और यहाँ पर राधा कृष्ण की जो है वो बहुत ही प्यारी एक तस्वीर भी लगी हुई है। तो मैंने आप लोगों को जो है 3 मूर्तियाँ उधर दिखा दी थी, अब चौथी मूर्ति भी जो है जो कि यहाँ पर विराजमान है। और अब चलते हैं आप लोगों को गधा के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर जो है हनुमान जी की एक विशाल गधा भी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारे गांव का मंदिर जो कि सरसिक राजा हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पर जो है मेला भी होता है जो कि अभी है। समिति द्वारा घर घर जाकर जो है भाव भरा आमंत्रण दिया गया है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं ये हर घर पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो है क्या क्या होगा वो सारी इसमें जानकारी दी गई है। श्री राम कथा भी जो है 12 से 20 मार्च तक होगी, जिसमें राष्ट्रीय संत श्री डॉक्टर मिथिलेश जी नागर के मुखारविंद से 12 मार्च से 20 मार्च 2023 तक चलेगी, जो कि प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक है। और श्री शिव महापुराण कथा भी है जो कि परम पूज्य गुरुदेव श्री विनोद जी शर्मा के मुखारविंद से, जो कि 12 मार्च से 18 मार्च तक चलेगी, और जो है रात्रि 8 से 12 बजे तक होगी। और मंडफिया से जो है सावरिया सेठ भी जो पधारेंगे, और भूतेड़ा जो है यहाँ से जाकर, भूतेड़ा जाकर 1000 जीव जो है उनको लेकर आएंगे, और रथ में सवार होकर पूरे गांव में 56 भोग से सावरिया जी का आगमन किया जाएगा। और भोजन भंडारा भी चल रहा है, जो कि सुबह जो है प्रातः 7 से 8 जो है नाश्ता है, और स्वादिष्ट भोजन 10 बजे से 12 बजे तक, और सायं 4 से 7 बजे तक। और यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण भी जो है वो होगा, और पंच दिवसीय एक कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ भी होगा, और अखिल भारतीय विराट हास्य कवि सम्मेलन भी होगा, और ऐतिहासिक चूल 20 मार्च को चली जाएगी, और भजन संध्या भी है, और विशाल मेला जो कि अभी चल रहा है। तो उधर भी मैं आपको अगले वीडियो में लेके चलूँगा। तो 56 भोग के दिन दिनांक 20 मार्च को जो है मुंबई की सबसे बड़ी गज ढोल ताशा पार्टी, जिसमें 35 ढोल 5 ताशे लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रस्तुति देंगे। झाबुआ का सुप्रसिद्ध आदिवासी नृत्य कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति देंगे। और भी बहुत कुछ है, तो आप पधारिए सरसी, आपकी कृपा वर्षी पधारो सरसी। जय श्री राम।